हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्री राम की पूजा में उनके प्रिय भोग, प्रिय फल और कुछ खास मंत्रों का जाप करने से पूजन सफल होता है। दुख, संकट और कला क्लेश दूर होते हैं। भगवान श्री राम की पूजा करते समय प्रिय भोग अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। आज के दिन भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और भगवान श्री राम के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम ओम राम ओम राम, ह्रीम राम ह्रीम राम श्रीम राम श्री राम। श्री राम का ये मंत्र बेहद शक्तिशाली है। रामनवमी पर रामलला के जन्म के समय इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इससे हर कार्य सिद्ध होते हैं और सफलता मिलती है। इसके अलावा तमाम बाधाएं दूर करने के लिए राम यानी कि राम का नाम अपने आप में ही पूर्ण है। ये तारक मंत्र कहलाता है। इसके जाप से तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। रामनवमी पर एकांत में 108 बार इसका जाप करना चाहिए। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए कला क्लेश दूर करने के लिए ओम रामाय हूँ फट स्वाहा, रामनवमी के दिन हवन के दौरान इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आहुति देने से परिवार में सुख शांति आती है, कला क्लेश मिटते हैं। इसके अलावा ओम रामचंद्राय नमः, रामनवमी पर श्री राम का ये मंत्र जपने से कलेश दूर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है। इसके अलावा ओम रामाय धनुष पाणाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से शत्रु भय इन पर विजय प्राप्ति होती है। इस मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। कहते हैं कि जिन लोगों को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। ऐसा करने से राहत मिलती है और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ओम परमात्मने नमः, रामनवमी पर इस मंत्र का जाप करते हुए रामलला की पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सांसारिक सुख मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel. Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Har Har Mahadev.